हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और गाइस, जस्ट अभी अभी ड्यूटी से आया हूँ। अभी बज रहे दोपहर के 3। बहुत ही तगड़ी, इतनी तगड़ी धूप लगी ड्यूटी से आते वक्त, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप लगती है। और फिर कल परसों तो बारिश हुई थी, वापस फिर 2 दिन से बारिश ही नहीं है। और अभी जा रहा हूँ मैं अंशु स्केटिंग लेके। कहाँ चल रहा है? गार्डन जाना है। तभी जा रहे हैं हम स्केटिंग में, गार्डन स्केटिंग लेके गार्डन। तो चल आगे देख लो। बंदर भी आजकल बंदर आ रखे हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आतंक फैला रखा है। तो अपनी चप्पल पहन लेना फिर। क्या पहन रहा है? क्या पहन रहा है? भाग चुका है स्केटिंग लेके। फिर से आ चुका मैं गार्डन में, और एक बार फिर से अपनी उसी गार्डन में। बहुत दिनों बाद आई हूँ आज गार्डन में। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी शाम के बज रहे 5:30, और मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, और बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि गार्डन में तो दिन भर मतलब भीड़ रहती है सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि लोग आते जाते ही रहते हैं। बहुत बड़ा गार्डन है। एक बार यहाँ पे अपने पुराने दोस्तों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में बहुत दिनों बाद आए अंकल गांव से। तब तक हम खेल नहीं पाए तो कुछ भी। ये लोग मुझे 1 महीने बाद मिल रहे हैं। आज 1 महीना हो गया ना, 1 महीने से ऊपर हो गया, 1 महीने के ऊपर मिल रहे हैं बच्चे लोग। और हम कबड्डी खेल रहे हैं। तुम लोग खेलते नहीं थे आजकल? आजकल तो बस वही छुपन छुपाई और वगैरह वगैरह, फुटबॉल नहीं खेलते थे। फुटबॉल नहीं खेलते थे, अभी चलो अब फुटबॉल खेलेंगे अब डेली। और किसने खरीदा ये? मैंने खरीदा। नहीं नहीं, अंशु किसने लिया ये? अंशु किसने लिया ये? है क्या ये? सारे खाओ बेटा, मिल के सारे खाओ। मंदीप और तिरसम भी मिल गए, देखो सामने बैठे हैं। ये देखे गार्डन में शाम के वक्त कितनी रौनक छा रखी है। सब लोग मस्त करके बैठे पड़े हैं, एकदम चौफली लगा के। देखिए पहुँच चुका हूँ घर अभी गार्डन से। तुम लोग अभी सब्जी के लिए नहीं गए? नहीं। तो कब जाओगे? ओ महारानी, सब्जी कब लाओगे? कितने बजे जाना है? 8 बजे जाओगे? मतलब वो बोले 8 बजे, तू 8 बजे क्यों? तो अभी सब्जी रोटी बनाएंगे। 7:30 हो रही है। 7:30 हो रहे तो क्या हुआ, दोनों के साथ में जाओगे? एक आदमी ले आओ ना सब्जी। कल तू अभी ले लो सब्जी। क्या नहीं जाना तक सब्जी के लेने जा रहे थे? वो घास बेटा छोड़ जा, इसको ले ना फिर जा रहे। कहीं जा रहे तुम लोग? यार इधर देखो, सुनो देख, रोशनी दे। और आज एक बार फिर से मैं गोलगप्पे बनाने जा रहा हूँ। देखो मैंने डाल दिया है, ये बन गए मेरे गोलगप्पे। बहुत ही मजा आ रहा है गोलगप्पे बना के। तो वो कितना ज्यादा फूल गया, इतना तगड़ा फूल चुका है कुछ। इतना बड़ा हो जाएगा भैया जी, थोड़ी 1 सेकंड में इतना बड़ा हो जाएगा। देखो कितना बड़ा हो गया 1 सेकंड में। देखो इतना बड़ा हो जाएगा अभी, इतना बड़ा हो जाएगा। देखो इतना हो गया। ए देखो एकदम छोटा से एकदम बड़ा है। अरे बना दे मैंने 10-15 पीस, बहुत बढ़िया बढ़िया मजा आ रहा। और तेल गिर जा रही है मेरे पानी। अभी देखो छोटा है, अभी बड़ा हो जाएगा, अभी बड़ा हो जाएगा। हो गया।
मैंने बना लिए गरम गरम गोलगप्पे। और अंशु आ जा इधर, जल्दी सरप्राइज, जल्दी आ, गोलगप्पे आगे से आ। तो मैंने बच्चों को दे दिया है थोड़ा सा सरप्राइज। तुम्हें पता था मैं गोलगप्पे बना रहा हूँ? हाँ। पता था? हाँ। झूठ बोल रहा है? हाँ। नहीं पता था? हाँ। कुछ नहीं पता था बेटा, तो मैंने बना दिए गोलगप्पे, अब हम उसको खाएंगे गरम गरम। दे स्टार्ट खाना। हाँ। पानी के साथ खाओ ना। हाँ। काले लग रहे दोनों दोनों। मेरा खाना शाम का, यहाँ पे मिर्ची हमारी, इतनी सारी मिर्ची का अचार है ये प्लेट में रखा है इन्होंने, मैं नहीं बनाया था अचार, ये मेरा खाना है। और ये सामने यूवी बैठा नीचे, ये दूध पी रहा है, ये कभी खाना मतलब ऐसा खाते नहीं है, दूध के साथ में खाता है, दूध और रोटी खा रहा है ना, खा लेना पूरा, ऐसे ही खाएगा, ऐसे इधर देख, ऐसे ही खाएगा, ठीक है। और अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, एकदम पेट ढनाढन हो गया है, दिल कर रहा था छत में जाने का, पर छत में बारिश झुमझुम बारिश झुमड़ा रही है तो इसलिए छत में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हम लोग क्या करते हैं डेली छत में राउंड मारते हैं, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। और अब थोड़ी देर बाद सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि रात के 10 भी बज चुके हैं, करंट 10 बज चुके हैं रात के, तो अब सोने की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे उठना पड़ता है ऑफिस के लिए। तो सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।